कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यते तत्र सर्वे फल क्रिया। मतलब जिस जगह पे नारी की मान सम्मान की जाती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, वहाँ पे देवी लक्ष्मी काली सरस्वती देवी देवियों का देवताओं का निवास होता है। और जहाँ जिस जगह पे जिस माहौल में जिस स्थान पर नारी का अर्थात महिला का मान सम्मान नहीं होता वहाँ पे सब किए धरे बेकार हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के ऊपर। मैं हूँ आर के झा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी 24x7 पे। आ चुका हूँ एक नई उम्मीद नई सोच के साथ। आज हम बात करेंगे नारी महिलाओं के मान सम्मान का। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और सिर्फ मनाने से नहीं होगा, महिला दिवस मनाया क्यों जाता है इसके बारे में सोचना होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है वो महिलाओं के मान सम्मान का संकल्प लेने के लिए मनाना चाहिए। आज हमारा यह विषय होगा कि नारी का मान सम्मान कैसे किया जाए। सिर्फ 8 मार्च आया और याद कर लिए कि नारियों का मान सम्मान का दिन है, ऐसा नहीं। उनके मान सम्मान कैसे किया जाए इनके बारे में सोचना होगा और उसको अपने जीवन में उतारना होगा। सिर्फ बातें सुन लेने से, सिर्फ कह देने से कि हाँ ये सच बात है करना चाहिए लेकिन करते नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो नारी का महिलाओं का मान सम्मान किया जाए, किस तरीके से उसको मान सम्मान करेंगे इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपने अगर आप हिंदू धर्म के हो या कोई भी धर्म में नारी का मान सम्मान करने के लिए सिखाया गया दिखाया गया है। हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा, कहते हैं सीता राम, गौरी शंकर, राधे श्याम। मतलब पहले सीता आई, पहले गौरी आई, पहले राधे आई। मतलब नारी का स्थान पहले आता है, कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज फर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि लेडीज क्या है, महिला क्या है, वो जननी है, देवी है। हिंदू धर्म से अगर आप बिलोंग करते हो तो नारी को देवी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। और किसी भी धर्म से आप अगर बिलोंग करते हो तो नारी जननी तो है ही, महिला देवी है, वही नहीं तो जन्म किससे किस कौन देगी। तो इसलिए नारी का जब इतना बड़ा स्थान है तो उनको महत्व भी देना चाहिए, गलत निगाहों से गलत नज़र से उनको नहीं देखना चाहिए। जैसी किसी और की माँ होती है उसी तरह से जैसे अपनी माँ होती है वैसे किसी और की माँ, जैसी अपनी बहन वैसे किसी और की बहन, तो उनको गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि जब नारी का यह स्थान है तो नारी का मान सम्मान करें। अर्धनारीश्वर शंकर, जिसके आधा अंग गौरी और आधा अंग शंकर के हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नारी के बिना पुरुष अधूरे हैं। नारी के रहते हुए और अगर आप सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो फिर नारी को साथ लेके चलना होगा, महिलाओं के मान सम्मान को सोचना होगा और उनके अधिकारों को उन्हें देना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। अगर राधा के बिना श्याम अधूरा है तो फिर राधाओं को मान सम्मान तो करना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे कई भाषाओं में गाने सुने होंगे, गीत सुने होंगे, वो कुछ गीत जिसमें नारी से संबंधित, नारी को केंद्रित करके बनाया गया है, वो नारी वो महिलाओं के ऊपर गाया गया है। कुछ गीत एक दो लाइन में आपके सामने बोलना चाहता हूँ, जैसे ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम आधा, या फिर दुख सहती है चुप रहती है इसका ही नाम तो नारी है। और एक गीत जो मेरे दिल को छू गया है वो गीत जिसे मैं आपके सामने दो लाइन पेश करना चाहता हूँ, फरमाइएगा। राधा बिना है किसन अकेला, छोड़ नहीं जाना छोड़ नहीं जाना, तेरे बिना है जीवन अधूरा, तेरे बिना है जीवन अधूरा, छोड़ नहीं जाना राधा छोड़ नहीं जाना। मतलब
मैं तो गायक नहीं हूँ, मेरी स्वर अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी ये हॉबीज है, तो मैंने दो लाइन आपको गाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब राधा के बिना श्याम या किशन अधूरे हैं, तो फिर उनको आप अपने से अलग कैसे कर सकते हो? उनको भी मान सम्मान देना चाहिए, उनको भी बराबरी का दर्जा देना चाहिए। और आज का युग जो पहले का युग था, पहले का समय था, जब नारियों को सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, नारी घर से बाहर, मतलब लड़कियां या औरतें घर से बाहर नहीं निकलेगी, वो किसी से बात नहीं करेंगी, वो दौर चला गया। अब एक नया दौर आया है। इस दौर में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो कदम से कदम मिलाकर नारियों के साथ भी चलना होगा, उनको भी विशेष दर्जा देना होगा, उनको भी विशेष प्राथमिकता और अधिकार देने होंगे। बिना उसके आप विकास नहीं कर सकते हैं। ये नारी, ये औरतें या महिलाएं किस क्षेत्र में आपसे पीछे हैं, पुरुषों से किस क्षेत्र में पीछे हैं? वो डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, साइंटिस्ट बनती हैं, वो बिजनेसमैन बनती है, वो डिफेंस में जाती है, वो मिनिस्टर बनती है, तो फिर किस क्षेत्र में आपसे कम है? अगर कोई देश चौतरफा विकास करना चाहे, तो उनको नारियों का मान सम्मान करना सीखना होगा, उनको भी वो प्राथमिकताएं, उनको भी मौका देना होगा, अदरवाइज वो देश विकास नहीं कर सकता। तो नारियों का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी क्या है? जननी है, वही देवी है, वही कन्या है, वही भगवती है। अगर आप नारियों का मान सम्मान नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अपनी माँ बहन का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो करना होगा। ये बात अलग है कि कुछ नारी, कुछ महिलाएं या कुछ औरत गलत नेचर की, बुरे व्यवहार की होती है, अच्छे चरित्र की नहीं होती है, वो कुछ होती है। अब हर कोई महिला या हर कोई औरत या लड़की शबनम की तरह नहीं होती है, जो अपने परिवार का नाश कर देती है, वो तो एक्सेप्शन है, वो अलग है। तो सभी नारियों का मान सम्मान हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि आज जो है 8 मार्च है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इससे संबंधित हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं या आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत आज से लगभग 113 साल पहले 1908 ईस्वी में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में विश्व की लगभग 15,000 महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के सड़कों पर 15,000 महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो विरोध प्रदर्शन वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उनके अपने मांग, उनकी अपने डिमांड था, कुछ डिमांड, जैसे कि वोटिंग राइट का, मताधिकार का उनका, क्योंकि उस टाइम में उनको, दैट इज महिलाओं को, वहां पे मताधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। तो पहला तो उनका डिमांड था मताधिकार, फिर काम करने के घंटों को कम करना, क्योंकि काम वर्किंग आवर ज्यादा होता था तो महिलाओं को प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने वर्किंग आवर को कम करने के लिए डिमांड रखा। और तीसरी बात, तीसरा मांग उनका जो था वो तनख्वाह बढ़ाने का, सैलरी बढ़ाने का था, क्योंकि युगों युगों से ये माना जाता है, देखा गया है कि महिलाओं का तनख्वाह या उनका पारिश्रमिक थोड़ा कम होता है पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस टाइम उन महिलाओं का यही डिमांड था कि तनख्वाह कम ना हो, बराबरी का हो। तो ये तीनों डिमांड जो हैं उनके थे, और इस वजह से वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो इस विरोध प्रदर्शन के लगभग 1 साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। तब से एक महिला जो क्लारा जेटलिन की नाम की थी, क्लारा जेटलिन नाम की एक महिला थी, जिन्होंने महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाने का विचार रखा, और 1910 ईस्वी में वो क्लारा जेटलिन जो महिला थी, महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार रखा, प्रस्ताव रखा। और वहीं क्लारा जेटलिन 1910 ईस्वी में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसमें पूरे विश्व के लगभग 17 देशों की लगभग 100 कामकाजी महिलाएं शामिल हुई थी। उसी कॉन्फ्रेंस में, उसी स्पेशल जो कॉन्फ्रेंस था
इंटरनेशनल लेवल का उस कॉन्फ्रेंस में वो क्लारा जेटलिन भी शिरकत कर रही थी, शामिल हुई थी, और उन्होंने यही विचार, वही प्रस्ताव रखा कि इस महिला दिवस को जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी या सिर्फ अमेरिका में, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, ये हमारा प्रस्ताव है। और सभी महिलाओं ने इन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया और तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1911 ईस्वी में मनाया गया, और वो मनाने वाले सबसे पहले देश थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो ये चारों देशों ने ही सबसे पहले 1911 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू किया, वो भी 8 मार्च को। तो तब से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाते हैं। ये कुछ जानकारी थी इससे संबंधित। तो सिर्फ मनाने से नहीं होगा, सोचने की बात है, महिलाओं के मान सम्मान की बात है। जो महिलाएं हमारे घर में है वही महिलाएं कहीं बाहर में भी है। अब वो जमाना चला गया जो आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर महिलाओं को बंद करके रखते हैं। अगर जरूरत है कहीं तो कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएं भी काम करती है। और देश का अगर आप विकास देखना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सौभाग्य या प्रोस्पेरिटी को पाना चाहते हैं, तो महिलाओं को भी मौका दें, वो भी आगे बढ़ेंगी। ये बात सच है कि जमाना खराब है, लेकिन अगर आप हमारी माँ बहनें सही रहेंगी तो फिर सांच को आँच किया, हम सही रहेंगे तो दुनिया कुछ भी हो उसे क्या फर्क पड़ता है। और घटना और दुर्घटना तो होती रहती हैं, लेकिन हम संभल के रहें। तो महिलाओं को भी हमारा सजेशन है कि वो जहां भी जाए, जो भी काम करें, सतर्क होकर करें और सावधान होकर करें। और उन महिलाओं के जो अभिभावक या जो पुरुष हैं उनसे भी हमारा ये सुझाव है कि उनको बराबर मौका दें। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, उनका विकास करें, उनकी मन की भावनाओं को समझें, सोचें। क्योंकि महिलाओं के बिना घर सूना होता है, महिलाओं के बिना आप सुना सुना महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। जिस घर में अगर महिला या औरत नहीं है वो वीरान लगती है, तो कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान न किया जाए, उनका किया जाए। मैं कहना चाहता हूं अंत में कुछ बातें कि अगर मान लो महिला न होती तो जन्म देने वाली माँ कौन होती, महिला न होती तो फिर राखी बांधने वाली वो शुभचिंतक बहन कौन होती जो किसी और घर में शान बढ़ाती, जो पूरी दुनिया के लिए या पूरी दुनिया में किसी न किसी घर की बेटी या बहन आती है, फिर हमारे घर की बेटी या बहन कहीं जाती है, इसी से तो दुनिया चलता है। और अगर महिला न होती तो जीवन भर साथ देने वाली और जान से ज़्यादा प्यार करने वाली, सुख दुख में साथ देने वाली वो औरत, वो पत्नी, वो वाइफ कौन होती और कहाँ होती। तो अगर जीवन के हर रास्ते पे, हर मोड़ पर, हर स्टेप पर महिलाओं का साथ हो तो जीवन बदल जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज से, अभी से महिलाओं का मान सम्मान करना सीखें, और करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। कैसी लगी हमारी बात? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि उसको कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती हो। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय।